हेलो एवरीवन, पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज के सीडीपी का मॉक टेस्ट 6 आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मॉक टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगी। ये पंक्ति है आपकी मोटिवेशन से रिलेटेड, यानी अभिप्रेरित, जो कि अभिप्रेरणा आजकल काफी चल रहा है कि स्टूडेंट टीचर को कहते हैं कि कुछ बता दीजिए सर, कि मोटिवेट हो जाए, मैडम कुछ बता दीजिए। मोटिवेट आप होना चाहते हो तो आप इंट्रिंसिक, अपनी आंतरिक चीजों को लेकर हो, यानी कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या सीखना चाहते हो। हम आपके लिए हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, मगर जब तक आप पढ़ना नहीं चाहोगे, जब तक आप कुछ लंबा गोल नहीं रखना चाहोगे, हम आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज और प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर अगर पथ है उस पे तो चलना आपको ही पड़ेगा ना, मेहनत तो आपको करनी है। तो इसलिए मेहनत की शुरुआत करते हैं, मिलकर करेंगे और ये पेपर शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक गुड टीचर क्या होनी चाहिए? पहला, रिसोर्सफुल और ऑटोक्रेटिक। अब रिसोर्सफुल पर्सन क्या होता है? रिसोर्सफुल पर्सन वो होता है जिसको सब्जेक्ट के बारे में काफी ज्ञान होता है, उसको पता होता है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, उसको कैसे यूज करना है, बच्चे को कौन से एग्जाम्पल देने हैं, बच्चे को कौन से एग्जाम्पल नहीं देने हैं, और कैसे देने हैं, कैसे उसको बताना है कि ये टॉपिक रीड के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसे कैसे लेकर जाना है कि इस क्षेत्र से, जैसे एनसीएफ 2005 से आप क्या क्या पढ़ के जाओ, टीचर का रोल पढ़ जाओ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो एक गुड टीचर ही ये बता पाएगा। तो रिसोर्सफुल होना तो बहुत ही जरूरी है टीचर। इसके बाद ऑटोक्रेटिक। बेटा देखो, ऑटोक्रेटिक यानी कि स्वेच्छाचारी, ऑथोरिटेटिव, ये तीन शब्द हैं, और एक हो गया डोमिनेंट। ये तीनों जो गुण होंगे ना, ये एक तरीके की ये तीनों बातें बताते हैं कि जो अपने ही चलाएगा। ऑटोक्रेट्स, जैसे पुराने जो राजा महाराजा थे, उनको कईयों को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में ऑटोक्रेट भी कहा जाता है, कि जो अपने ही चला रहे हैं, जो तानाशाह जैसा बिहेव कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम ही सही हैं। ऐसा ही कोई अथॉरिटी में इंसान होगा, अथॉरिटेटिव होगा, तो वो सिर्फ अपनी मनमानी, अपनी ही चलाएगा। डोमिनेंट, अपना ही सोचना, शिक्षण टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगी। मगर एक अच्छी टीचर क्या होती है? जो कि पार्टिसिपेटिव होती है, जो कि बच्चों को अधिगम में अपने साथ लेके चलती है, उनके दैनिक जीवन से आने वाले एग्जाम्पलों को रिसोर्स की तरह यूज करती है। तो एक गुड टीचर को रिसोर्सफुल होना चाहिए और पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, क्योंकि जो लर्निंग है उसमें टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो सिर्फ टीचर का रोल नहीं है, उसमें टीचर का तो रोल है, साथ के साथ बच्चे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चा सेंटर है, बच्चा केंद्र है, टीचर उसको प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटीज, जो कि एनसीएफ 2005 में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो बी इसका आंसर है। दूसरा सवाल, इनमें से कौन से टाइप ऑफ इवेल्युएशन, कौन सा मूल्यांकन असेस करेगा लर्निंग की प्रोग्रेस को, यानी कि अधिगम में कैसी प्रोग्रेस हो रही है, और प्रोवाइड करता रहेगा कंटिन्यूअस फीडबैक, साथ की साथ आपको फीडबैक मिल रहा है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, जो इंस्ट्रक्शन हो रही है उसके अंदर। अब बेटा, कंटिन्यूअस फीडबैक होता है ना, वो मिलता है सिर्फ हमारा फॉर्मेटिव में, यानी निर्माणात्मक में, रचनात्मक में, जो कि हमने कोई एक्ट करवाया, यानी हमने कोई एक्टिविटी करवाई, टीचर ने एक एक्टिविटी करवाई, जमा की, बहुत बच्चों को मटेरियल दिया और चीजें जोड़ के ऐसे करने को दिया, टीचर को समझ में आया कि ये स्टूडेंट कर नहीं पा रहे, तो उसे एक फीडबैक मिला कि क्या मैंने मटेरियल जो है वो बच्चों को ढंग से प्रोवाइड नहीं किया, क्या मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी कैसे कैसे करना है वो बच्चों को समझ में नहीं आई। तो वो एक फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, जो कि आपको उसी टाइम पता चल गया कि शिक्षण में कुछ कमी रह रही है, जो आप सिखाना चाह रहे हैं, अधिगम प्रोवाइड देना चाहते हैं बच्चों को, वो नहीं जा रहा। तो ये कंटिन्यूअस फीडबैक जो होता है वो सिर्फ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर होता है। एक फॉर्म होती है, जैसे चीजें रूप लेती है ना, तो ऐसे ही निर्माणात्मक में रूप बनता जाता है, यानी कि इवेल्युएशन बच्चे की एक पूर्ण रूप से होती चली जाती है। प्लेसमेंट इवेल्युएशन जो होती है ना, ये तो आप जॉब एनालिसिस वगैरह में होती है, जैसे कि वो कॉलेजेस में प्लेसमेंट वाले आते हैं और फिर वो देखते हैं कि हमें जैसा बंदा चाहिए वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं, उनके इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं, तो वो होती है प्लेसमेंट इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है, निदानात्मक में कोई गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो उसके क्या कारण है, क्या उपाय लगा जा सकते हैं, कहाँ अधिगम में कमी आ रही है, तो वो डायग्नोस्टिक में होता है। और डायग्नोस्टिक के बाद आती है हमारी, डायग्नोस्टिक स्टेप के बाद हम रेमेडी देते हैं, यानी कमी देखी फिर उसके बाद हमने उपाय दिया, तो डायग्नोस्टिक भी नहीं है क्योंकि इसमें हमें लगातार फीडबैक मिल रहा है। सम्मेटिव जो होती है ना, वो एक हमारा कोर्स हमने करा दिया, ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम लिया, जैसे कि पहले हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकंड टर्म एग्जाम, ये सब होते थे ना, तो ये हमारे सम्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर आते थे, S1, S2 और S3।
इसके अंदर क्या होता था कि आपने एक कोर्स पढ़ा दिया और एक एग्जाम लिया, उस एग्जाम में बच्चे ने जैसा परफॉर्म किया, बाय चांस वो बीमार है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, मगर उसने जैसा कॉपी में लिखा होगा उसी बेस पे आपने असेस कर लिया कि हाँ इसे आता है या नहीं आता है। अगर वो बीमार है और वो पेपर ढंग से नहीं लिख पाया और उसको क्वालिफाइड, वो फेल हो गया, तो आप कह दोगे चाहे वो कितना ही होशियार बच्चा हो कि जी इसे नहीं आता। तो समेटिव इवेल्युएशन का ये बहुत बड़ा कमी थी, इसलिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को लाया गया। कंटिन्यूअसली बच्चे को असेस करा जा रहा है, बच्चे को हर हफ्ते जो है एक टेस्ट ले लिया गया है, या साथ में टीचर एक्टिविटी करवा रही है तो देख रही है, बच्चे के पोर्टफोलियोज मेंटेन कर रही है, तो वो सब फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर आते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंदर आते हैं, जो कि आज के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। इसलिए समेटिव आउटडेटेड कॉन्सेप्ट होता जा रहा है। इसका आंसर है बी। इनमें से कोई कौन सी स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन है, यानी कि लघुकृत शिक्षण स्थिति। अब लघुकृत शिक्षण स्थिति जो है ना, वो हमारी एलन एंड रॉबर्ट बुश ने दी थी, ठीक है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई थी अमेरिका के अंदर। इसके अंदर कहा गया था कि एक टीचिंग स्किल पकड़ लोगे आप, ठीक है, और कोई टीचर ट्रेनी है, यानी कि कोई प्री सर्विस टीचर ट्रेनी है, यानी कि जो पहले कोर्स कर रहा है शिक्षण बनने के लिए, जैसे कि जेबीटी, बीएड, ये सब होती है, या फिर कोई इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग है जो टीचर लग चुका है मगर उसको अब नई चीजें हमें सिखानी है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टीचिंग स्किल को पकड़ेंगे, उस टीचर स्किल के बारे में उसे बताएंगे, जैसे कि क्वेश्चन करना, ये एक टीचिंग स्किल है, इसको हमने पकड़ लिया। उसके बाद उसने हमें एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम बताया और जो टीचर ट्रेनी है उसको सिखाया कि ये स्किल है, उसने अपना मटेरियल तैयार किया और ये मटेरियल जो वो तैयार करा है वो एक्चुअल बच्चों के साथ पूरी बड़ी क्लास में जाके ना करके एक छोटे लेवल पे, छोटे मतलब कि स्केल डाउन साइज में, यानी कि 5 से 10 स्टूडेंट्स के साथ उसने अपना जो प्लान किया और अपनी एक टीचिंग स्किल पे मटेरियल तैयार किया और उसने टीच कर दिया, ठीक है, 5 से 10 स्टूडेंट्स के साथ किया और 10 से 15 मिनट किया, यानी कि पूरा लंबा चौड़ा नहीं किया। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसे फीडबैक कर टीच कर दिया, तो फिर आपने उसे फिर फीडबैक दिया कि आपकी यहाँ यहाँ कमी रह गई, ऐसे क्वेश्चन पूछने में आपको ऐसे करना चाहिए था, तो भाई जो ट्रेनिंग टीचर है उसने वो चीज सीख ली। फिर उसके बाद उसने रीटीच किया, यानी उसने फिर दोबारा से पढ़ाया और उसके बाद उसे रीफीडबैक मिला, यानी कि दोबारा से फीडबैक दिया, और ये साइकिल जो है ना ये चलती रहेगी जब तक एक पर्टिकुलर टीचिंग स्किल जो है वो अच्छी तरह से नहीं सीख लेता। ऐसे स्किल्स को छोटे छोटे लेवल पे, टेंशन फ्री इन्वायरमेंट में, बड़े लेवल पे ना कर कर स्केल डाउन अप्रोच से करवाना ही माइक्रो टीचिंग कहलाता है, क्योंकि इसमें फीडबैक जो है ना, कैमरे भी लगे होते हैं और जो ऑब्जर्वर होता है यानी जो टीचर असली का होता है वो देख रहा होता है और वो उसकी कमी वगैरह उसे बता देता है, तो इस तरीके से स्किल जो है वो अच्छी तरह आ जाती है। क्वेश्चन करना, कैसे आपको चैप्टर को सम अप करना है, क्लोज करना है, कैसे आपको चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे आपको बच्चे के क्वेश्चन लेने हैं, ये सारी टीचिंग स्किल्स है और एक स्किल के ऊपर एक एक करके काम किया जाता है, तो ये कहलाता है माइक्रो टीचिंग, माइक्रो सूक्ष्म शिक्षण। मैक्रो टीचिंग जो होती है वो तो ये हो गई जो हम असली क्लासरूम में करते हैं, मैक्रो यानी बड़ा, बड़े लेवल पे, यानी एक पूरे क्लास में पूरे 30 मिनट के पीरियड में मतलब 40 से 45 बच्चों के साथ, वो मैक्रो टीचिंग होती है। टीम टीचिंग, टीम टीचिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। टीम टीचिंग के अंदर कुछ टीचर प्रशिक्षण ही होते हैं, यानी कि कुछ जैसे कि बीएड ट्रेनिंग की आपने देखी है क्लास है, जो कि बीएड के टीचर बनना चाहते हैं, ऐसी क्लास है, तो उस क्लास में कुछ बच्चे क्या होंगे, वो टीचर का रोल, एक बच्चा टीचर का रोल करेगा, कुछ जो है वो बच्चों का रोल करेंगे, तो इस तरीके से जो होगी टीचिंग, और फिर उसके बाद देखेंगे वो अलग अलग रोल बदल बदल के कि कैसे टीचिंग हुई, क्या दिक्कत हुई, तो वो टीम टीचिंग कहलाती है। कोऑपरेटिव टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग के अंदर शायद ये होता है कि टीचर्स जो होती है ना वो आपस में, अगर कोई कॉन्सेप्ट किसी टीचर को कम आ रहा है या उसमें कोई दिक्कत है तो वो अपने साथ वाले टीचर से, दो मैथ की टीचर है 11th 12th को पढ़ाती हैं, एक को किसी सेट थ्योरी में दिक्कत आ रही है तो वो साथ में उससे कॉपरेट करके अपने साथ वाली से सीख के उसने फिर बच्चों को पढ़ा दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है एक टीचर को सभी हो, टीचर जो है वो खुद सीखता रहता है, वो खुद एक लर्नर है, तभी वो बच्चों को अच्छी तरह नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। तो कॉपरेटिव टीचिंग के अंदर हो गया साथ में सहभागी शिक्षण करना, क्या पता वो खुद भी सीखे और साथ में वो उस टीचर को भी कह दे कि आप मेरा इस टॉपिक का पीरियड ले लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, बच्चों के अंदर अच्छा अधिगम हो, ये मेन मकसद है, और टीचर को खुद भी सीखता रहना चाहिए। क्लास, क्लास क्या है, अब देखिए ये एक फुल फॉर्म आ गई है,
है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन, ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि 1984 और 85 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था, जिसमें बीबीसी जो है ना उसने इंडियन स्कूल के अंदर कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए थे, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर की शिक्षा देना और कैसे इसे स्कूल में यूज किया जा सकता है उस पे इसका काम हुआ था। फिर आगे जाके इस पे सरकार ने भी आपने बजट में, फिर इस पे 8th बजट में इसमें पैसा दिया और हर स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर्स आने लगे, क्योंकि कंप्यूटर की साक्षरता होनी बहुत जरूरी है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाए, कैसे ऑन किया जाए। और इसी क्षेत्र में फिर आगे जाकर 11वीं और 12वीं के अंदर आईटी का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इसलिए मगर इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 84-85 में हुई थी, और बीबीसी जो है उसने कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए थे भारतीय स्कूलों के अंदर एज अ पायलट प्रोजेक्ट। ना इसका आंसर ए है, ना बी है, ना डी है। वॉटसन के अनुसार साइकोलॉजी क्या है? वॉटसन जो थे, ध्यान से देखिए, वॉटसन आपको पता है कि वो एक व्यवहारवादी थे, तो फिर वो साइकोलॉजी को भी क्या कहेंगे? साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो इसलिए वॉटसन ने, जिसने एल्बर्ट पीटर इन लोगों पे, इन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था और उनके अंदर फियर कैसे डेवलप किया, फिर उसको कंडीशनिंग की बात की, तो ये सारा वो व्यवहार की बात की थी, जो सामने दिख रहा है, जो ओवरटली एक्सप्रेस है, जो सामने से आपको दिख रहा है अंदर दिमाग में, या फिर क्या जो चिंतन चल रहा है, इसकी कोई बात नहीं करी थी। व्यवहार वो है जो सामने प्रकट हो रहा है, और उसी पे उनकी सारी व्यवहारवादियों की थियोरी थी। तो इसका आंसर है 4। सोल की इन्होंने बात नहीं की, सोल तो जब स्टार्टिंग में साइकोलॉजी बनी तो आत्मा का विज्ञान कहा गया उसे, माइंड की भी कोई बात नहीं की, मन की क्या जो बात है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात जो की थी ना वो स्ट्रक्चुरलिस्ट ने की थी, जो संरचनावादी थे जैसे कि जिस विलहेम वुंड और टिकनर, इन्होंने जो था कॉन्शियसनेस की बात की थी, और इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का कहा था कि जो आप अंतर सोच रहे हैं वो बोलते जाओ, और फिर उस तरीके से आपके दिमाग की क्या संरचना होती है उसके बारे में बात की। मगर यहाँ पे हमें बताना है कि वॉटसन ने क्या काम किया। वॉटसन व्यवहारवादी, तो उसने साइकोलॉजी को व्यवहार का ही विज्ञान कहा। 6, स्टिमुलस एक प्रोजेक्टिव टेस्ट में पर्सनैलिटी के में कैसा होता है? अब हमें पता है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट पर्सनैलिटी के जो होते हैं उनके अंदर जो स्टिमुलस होता है वो एम्बिगुअस होता है, अस्पष्ट होता है उसके अंदर। जैसे कि आप ये देखिए, प्रोजेक्टिव टेस्ट एक तरीके के टेस्ट है, मटेरियल है, जिसके अंदर इंसान जो होता है वो अपना अनकॉन्शियस जो छिपी हुई बातें हैं वो उस पर प्रोजेक्ट कर देता है। जैसे प्रोजेक्टर जो होता है वो अपनी सारी लाइट स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है, तो वही इसी तरीके से इंसान जो होता है वो अपने सारे अनकॉन्शियस को, छिपी हुई भावनाओं को, छिपे हुए डिजायर्स को, विशेष को, इच्छाओं को, सपनों को, वो सब जो है उस मटेरियल के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है। मतलब वो मटेरियल ही इसी तरीके का होता है कि उसमें से उनके छिपे हुए भाव उभर कर निकल के आने लग जाते हैं। इसके अंदर जैसे कि आप देखेंगे टैट, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, इसके अंदर जो होती हैं 20 पिक्चर्स एक टाइम किसी पर्सन को दी जाती हैं, 10 कॉमन होती है, 10 मेल को दी जाती हैं और 10 फीमेल को, तो एक टाइम पे 20 दी गई। और ये पिक्चर जो होती हैं, जैसे कि कोई उदास सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो उस पर कहानी बनाने को कहा जाता है और फिर उस कहानी को इवेल्युएट किया जाता है। जैसे टैट ये मुर्रे और मॉर्गन ने दिया, ऐसे ही आया कैट, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट, ये बेलाक ने दिया था। इसके अंदर क्या किया गया, बच्चे को 10 कार्ड दिए गए, और जो टैट थे ना उसमें तो ह्यूमन फिगर्स यूज की गई थी, कैट के अंदर कुछ एनिमल फिगर्स, जानवरों से क्योंकि बच्चा जुड़ा होता है, तो कुछ जानवरों की फिगर थी, कुछ इंसान की थी, और बच्चे को फिर ऐसे ही कहानी कहने को कहा जाता है। तो ये दोनों तो हो गए जैसे पिक्चर्स, इसमें हमें पिक्चर दिख रहा है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रोजेक्टिव टेस्ट सिर्फ पिक्चर ही हो सकते हैं। नहीं, आप देखिए रोशार्क का जो टेस्ट था, स्याही धब्बे, तो वो धब्बों का टेस्ट था ना, वो एक तरीके की कोई पिक्चर तो नहीं थी, वो धब्बों को देखकर वो बता रहा था कि धब्बों पे कहानी गढ़ो, तो वो रोशार्क का टेस्ट भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। आप सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो होते हैं, इसके अंदर तो भाषा प्रयोग हो गई ना, इसके अंदर तो शब्द नहीं आए, तो भाषा प्रयोग हो गई, तो इसलिए पिक्टोरियल इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके अंदर आई विश टू, मैं चाहती हूं कि मैं ये बन जाऊं, तो इसके अंदर आपके जो छिपे हुए डिजायर है तो आप वो निकाल के रहेंगे ना। तो ये सारे सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड कंप्लीशन, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, रोजनबिक का, ये सब प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ये डायरेक्ट टेस्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट टेस्ट है मेजरमेंट के, पर्सनैलिटी के। तो इनका जो स्टिमुलस होगा, जो मेटीरियल होगा जिसपे काम करके पर्सनैलिटी निकल कर आएगी, वो अस्पष्ट होगा, ना सिंपल होगा, ना कॉम्प्लिकेटेड होगा, अस्पष्ट होगा, क्योंकि अस्पष्ट तरीके से ही समान के ऊपर वो काम करके अपनी कहानियां, सेंटेंस में वर्ड एसोसिएट करते हुए अपनी पर्सनैलिटी के बारे में
जो असेस कर रहा है उसको आइडिया दे देंगे और फिर वो बता देगा। सातवां सवाल, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि स्ट्रेस की, तनाव की, स्टॉर्म, तूफान आया रहता है, आइडेंटिटी का कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करना है मुझे, ये सारी, और स्ट्राइक की कि क्या करें क्या ना करें। तो ये स्टैनले हॉल ने कहा था और ये अमेरिकन थे। थॉर्नडाइक ने तो भाई बिहेवियरिज्म के ऊपर काम किया है, जर्सलीड ने इंटेलिजेंस के ऊपर, बुद्धि के ऊपर काम किया है, क्रो एंड क्रो की ये कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इसका आंसर टू है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा दो चरों के बीच संभव उच्चतम सहसंबंध को व्यक्त करता है? अब हम देखते हैं, एक आर होता है हमारा, जो कि होता है हमारा कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, दो जो दो चीजों के बीच में जो सहसंबंध होता है उसको बताता है, और इसकी वैल्यू जो होती है ना वो लाई करती है -1 से लेकर +1 तक, ठीक है, इसकी वैल्यू इस रेंज में लाई करती है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, यानी धनात्मक पॉजिटिव रिलेशन कब होगा? पॉजिटिव रिलेशन जब होगा जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, यानी कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, या फिर एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है। तो ये जो होगा, ये हमने प्लस और -1 हमने देखा कि इसकी वैल्यू इसमें लाई करती है। अब हम कोरिलेशन की दो तरीके की बात करेंगे, एक तो हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको ऐसे लिख देंगे, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है। जैसे कि आप देखिए कि गर्मियां आ रही है, गर्मी आते ही जो कैंपा कोला वगैरह इनकी सेल्स क्या होती है, वो बढ़ने लग जाती है ना, तो गर्मी का आना, ठीक है, और इनकी सेल का बढ़ना, दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं, तो ये कहलाता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। आप ये देखिए, जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे हमारा एक्स 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 बढ़ता जा रहा है ना, और वाई 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 बढ़ता जा रहा है, तो हमारा इस एक्स के लिए वाई ये है। अब एक्स आगे बढ़ा तो वाई आगे बढ़ गया, और एक्स की वैल्यू आगे बढ़ी तो वाई आगे बढ़ गई, तो एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो ये कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है ये। ये ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, मॉडेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, यानी कि एक दिन हमने सेल देखी ये है जून के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऑलमोस्ट ये है कि इस पॉइंट पे अगर हमारा एक्स इतना है तो वाई इतना है, अगर हमारा एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो ऑलमोस्ट एक लाइन अगर प्लॉट करेंगे तो सारे बिंदु आस पास आते और इसी के चारों ओर आएंगे, तो ये एक मॉडेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, यानी ठीक ठाक पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दो चीजों का कोई संबंध ही नहीं है, एक्स यहाँ है वाई यहाँ पे है, एक्स इसी लाइन में ऊपर चला गया तो वाई की वैल्यू ज्यादा है, तो इनका कोई आपस में सह संबंध नहीं बन रहा है, तो ये कहलाता है नो कोरिलेशन, ये होता है जीरो की वैल्यू पे कि कोई संबंध ही नहीं है, सह संबंध नहीं है। अब आ गए हम नेगेटिव कोरिलेशन में। नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर बेटा ये होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर। इसके एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप जो है समुन्दर के तल से, ये समुन्दर है ठीक है, इसके तल से आप और ऊंचा ऊंचा हाइट पे माउंटेन के चले जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, आप समुन्दर की आप हाइट ऊपर की ओर जा रहे हैं, आप ऊपर की ओर हाइट पे जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो इनका नेगेटिव कोरिलेशन है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, तो इनके बीच में जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है उसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होती है, एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज घटी, या फिर एक पहली चीज घटी तो दूसरी चीज बढ़ी, ये दिखाता है। अब जैसे इसमें देखिए, ये हमारा एक्स है यहाँ पे, ठीक है, आप ये मान लीजिए कि हम समुन्द्र तल से दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए, और ये है हमारा तापमान। अब तापमान पहले ज्यादा था और जैसे जैसे हम समुद्र तल से दूर जाते जा रहे हैं तो तापमान कम होता चला जा रहा है, इस पॉइंट पे हम समुद्र तल से इतना दूर आ गए और तापमान देखिए ऊपर से नीचे की ओर गिर गया, तो ये कहलाता है नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन नहीं होता, बहुत ही कम जगह पे मिलता है, एक मॉडेस्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है, जैसे हम एक ये लाइन प्लॉट करें तो ये बिंदु आसपास ही उसके होंगे, मगर ये लाइन इस तरीके की है ना कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, ठीक है, तो ये कहलाता है नेगेटिव कोरिलेशन। अब इसमें बताना है कि हमारा हाईएस्ट कोरिलेशन पॉसिबल क्या होगा,
हाईएस्ट कोरिलेशन को आप ऐसे ना देखें कि नेगेटिव वैल्यू में है तो वो हो नहीं सकता है। इसको आप नंबर लाइन की तरह मत देखिए, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दिखा रहा है रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट। अगर कोई दो चीजें नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं तो -1 का मतलब ये है कि हाँ इनके अंदर बहुत ज्यादा सह संबंध है। अगर एक चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दूसरी चीज बहुत ज्यादा घट जाती है, तो सह संबंध तो इनवर्स रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रांग है ना, तो इसलिए इसका आंसर है -0 का मतलब है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो कि हमने इस ग्राफ में भी देखा, ये इस वाले ग्राफ में ये रहा नो रिले कोरिलेशन। 0.5 का मतलब है कि हमारा एक की तरफ जा रही है ना, एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडेस्ट है यानी ठीक ठाक है, मॉडेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है ठीक ठाक। मगर +1 जो होता है वो हाइएस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, -1 जो होता है वो हाइएस्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। +1 वाले के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है दूसरी चीज भी घट रही है। नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर होता है एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, एक चीज अगर घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। +1.25 तो कभी भी कोरिलेशन की वैल्यू होती ही नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन की वैल्यू -1 से 1+1 के बीच ही रहती है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर -1 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करके जाइएगा। मेन फोकस क्या है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का। अब भाई गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो थे ना, जो जर्मन थे, उन्होंने बात की परसेप्शन की, यानी कि हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद हम उस चीज के बारे में सोच चिंतन करके कैसे उस विजुअल इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अपने दिमाग के अंदर, तो वो कहलाता है, वो सारा गेस्टाल्टवादी का होलनेस का वो सारा कॉन्सेप्ट था, तो वो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे था। जैसे कि आप ये देखिए प्रॉक्सिमिटी, इन्होंने 5 लॉज दिए थे। पहला है प्रॉक्सिमिटी यानी नियरनेस का। अब ये देखिए, ये 1 2 3 4 5, 5 × 5 ये 25 बिंदु है, इनको हमने ऐसे पेश किया तो आपको ये एक डब्बे की तरह नजर आ रही है। इस फिगर के अंदर भी 25 बिंदु है, मगर इनको जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप वो कॉलम्स की तरह देखेंगे, और इस वाले में आप रो की तरह देखेंगे, पंक्ति की तरह देखेंगे। जैसे कि इसमें भी 25 बिंदु है तो आपने इनको रो की तरह देखा यानी पंक्ति की तरह देखा, इसमें आपने कॉलम की तरह देखा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा, तो कैसे कैसे बिंदु पास थे उससे आपका देखने का तरीका बदल गया, तो वो कहलाता है इनका पहला लॉ प्रॉक्सिमिटी का, नियरनेस का। दूसरा है सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी है, आपने यहाँ पे कुछ बिंदु पिंक कलर के हैं और कुछ काले रंग के हैं, तो आपने काले वालों को जो है वो एक साथ देख लिया, भैया ये तो स्क्वायर जैसा लग रहा है, जबकि आपने सिमिलैरिटी, आपने तो बिंदुओं को, चार एक जैसे बिंदुओं को एक स्क्वायर के फॉर्म में देखने की ना, जबकि आपने एक दो पंक्तियों की तरह नहीं देखा कि ये दो रोज हो सकती हैं R1 और R2, जिसमें कि पिंक और ब्लैक ऑल्टरनेट लगे हैं। तो इस तरह की कि आप परसेप्चुअल क्यूज देखते हैं, जिससे आप उन चीजों को, इंफॉर्मेशन को अपने विजुअल फील्ड दिमाग में फिट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्लोजर। अब ये दो शेप दी जाए तो कोई भी बोलेगा कि भाई ये तो वृत्त है और ये वर्ग है, मगर आप ध्यान से देखिए कि इनमें ये जोड़ तो नहीं रखे, मगर हमने चीजों को जोड़कर देख लिया, तो ये कहलाता है क्लोजर का। सिमिलैरिटी का आप एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि क्रिकेट के फील्ड में दो अलग अलग जर्सी पहन के अगर खेल रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेल रहा होता है, तो आपने ब्लू जर्सी सबको दे दी इंडिया वाले को, तो उससे आपने आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये इंडिया के खिलाड़ी हैं और येलो वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, तो खेलते हुए आपको ये नहीं लगेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन क्या कर रहा है। आप दूर से भी एज अ स्टेडियम में स्पेक्टेटर देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कराएंगे, अरे भाई अब तो इंडिया की बॉलिंग चल रही है, क्योंकि वो सिमिलैरिटी के आधार पे हुई, सेम टी शर्ट्स पहनी उन्होंने। क्लोजर, क्लोजर के आधार पे आप एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक आर्टिस्ट होता है, वो ऐसे चार लाइनें बना के वो ह्यूमन चेहरा बना देता है, तो वो आप जो है वो चार लाइनों से उसने एक फिगर बना दी ना, तो क्लोजर आपने उस तरीके से बनाकर देख लिया, एक चार लाइनों से आपने एक ह्यूमन प्रतिमान अपने दिमाग में उस चीज को देख के बना लिया, आपने परसेप्चुअल फील्ड अपने दिमाग में फिट कर ली। चौथा पॉइंट कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का ये है कि जैसे आप इसमें देखें कि आप इन छोटे छोटे डॉट को एक पूरी लाइन देखेंगे, आप ए से बी देखेंगे और सी से डी देखेंगे, देखने को तो ए से डी भी हमारी रेखा है और सी से बी भी रेखा है, ए से सी बी है डी से बी भी है, मगर हम उस चीज को देखेंगे जो बिल्कुल ही सरल हो आसान हो, तो हमने ए से बी को देखा और सी से डी को देखा, तो हमने क्योंकि कंटिन्यूअस रूप फॉर्म में देखा, हमने सतत फॉर्म में देखा। और ये आ गया पांचवा कॉमन रीजन। कॉमन रीजन का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो पालमर ने दिया था, उसने कहा था कि जैसे कि अगर किसी को ये तीन शेप दी जाए तो वो कहेगा तीन डब्बे हैं, एक में स्टार है, एक में कुछ स्टार और कुछ सर्कल है और एक में सर्कल है,
क्योंकि उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो उन तीनों चीजों को अलग अलग कर रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो स्टार है और सर्कल है, वो पीछे के बैकग्राउंड से वो तीन तरीके से दिखने लग गए। कॉमन विजन के तहत पे हमने आने वाली इंफॉर्मेशन को तीन भागों में बांट दिया। तो ये हमारे जो है ये गेस्टाल्टवादियों ने नियम दिए थे, जिससे कि हम जो है परसीव करते हैं चीजों को, और ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की चीजें हम लगाते हैं और दिमाग में इंफॉर्मेशन को फिट करते हैं। तो ये मेन फोकस था गेस्टाल्टवादियों का। ध्यान से देखिएगा, ये प्रिंसिपल्स आ सकते हैं। पहला है प्रॉक्सिमिटी नियरनेस का, यानी पास पास का। दूसरा सिमिलैरिटी का, एक जैसी का। क्लोजर का, पूर्ण रूप से देखने का। कंटिन्यूटी का, लगातार देखने का। और कॉमन रीजन यानी कि एक जैसा क्षेत्र, और इसको दिया था पांचवे वाले को पाल्मर ने। ठीक है, मान ले कि एक प्राचार्य ऐसे दिन को ज्ञात करना चाहती है कि जिस दिन सर्वाधिक छात्र अनुपस्थित रहे, तो इससे वो क्या करेगी? मीन निकालेगी, मीडियन निकालेगी, मोड निकालेगी, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगी। अब मीन तो जो होता है ना वो एवरेज होती है। अगर हम देखा जाए कि एक स्कूल में 300 दिन बच्चे आए, 300, देखिए जैसे मान लीजिए एक डाटा है, एक प्राचार्य के पास है कि पहले दिन 100 बच्चे आए, दूसरे दिन 150 आए, तीसरे दिन 50 आए, चौथे दिन 60 आए और पांचवे दिन 90 आए। एक आर्बिट्री डाटा है ये, ठीक है। अब टीचर जो है होगी वो क्या निकालेगी? अगर वो एवरेज निकालेगी तो इन हमारी जो ये छह, ये हमारे 1 2 3 4 5 जो हमारे पांचों दिन है, इनको जमा करके 5 से भाग कर देगी। D1 + D2 + D3 + D4 + D5। तो पता चल जाएगा कि औसतन, एवरेज यानी औसत, मीन यानी औसत की यानी लगभग हर दिन कितने बच्चे आए। तो हमें हर दिन नहीं निकालना, हमें निकाला कि कौन से दिन सबसे ज्यादा बच्चे आए। अब ऐसे फिगर में आप देख सकते हैं, औसत सबसे ज्यादा वो दिखाने के लिए हमारा यूज होता है हमारा बहुलक यानी मोड। जैसे इस फिगर में हम देखेंगे तो हम कहेंगे D2, दूसरे दिन 150 बच्चे हमें दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा उस दिन बच्चे आए, तो वो कहलाएगा हमारा मोड, वो हम बहुलक से निकाल सकते हैं। मीडियन, मीडियन जो होता है ना उसमें आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। उस ऑर्डर में लगाने के बाद जो बीच की चीज होगी ना वो मीडियन कहलाता है। जैसे कि अगर हम इसको देखें, यहाँ पे 50, 60, 90, 100 और 150 हमने मीडियन लगाने के लिए इन्हें लाइन में लगा दिया बढ़ते क्रम से, और फिर ऐसे ऐसे हमने काट दिया एक एक एक। मीडियन जो है वो इसका 90 है, यानी जो बीच की संख्या है वो मीडियन कहलाती है। और जो मोड होता है वो होती है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। और हमें देखना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस दिन होगी, जिस दिन सबसे ज्यादा छात्र आए। तो बस सिंपल सा है कि जिस दिन सबसे ज्यादा छात्र आए उसको देखने के लिए आप मोड निकाल दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है ना वो तो विचलन होता है, यानी कि कैसे वो विचलित कर रहा है मीन के अराउंड, इधर या उधर। वो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर सिंपल सा है मोड यानी बहुलक निकाल लीजिए। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो फंक्शन है पी से यानी पर्सन का, और ई से यानी उसके इन्वायरमेंट का, वातावरण का। ये जो है ये पी से यहाँ पे आएगा पर्सन। ये स्टेटमेंट जो दी थी भाई कर्ट लुविन ने दी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने मैथ्स के कॉन्सेप्ट जैसे कि वेक्टर, टोपोलॉजी, फंक्शंस, उन सबको जो है उसने साइकोलॉजी में लेकर आया। इसलिए उसने कहा जो हमारा व्यवहार है ना वो एक तरीके का फंक्शन है जो कि इंसान का होता है, वो अपने इन्वायरमेंट से कैसे रिएक्ट करता है। ये पर्सन है, ये उसका इन्वायरमेंट है, और इससे वो कैसे रिएक्ट कर रहा है तो वो जो है वो उसका बिहेवियर डिटरमाइन करेगा। और उसने लाइफ स्पेस की बात की, ये उसका लाइफ स्पेस है जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि एक आदमी है और वो एक कमरे में आया है, वो उसका लाइफ स्पेस है, ठीक है। और वहां कोने में एक सांप है, अगर उसको वो सांप नहीं देखा देखेगा तो वो उसका बिहेवियर है वो उसी तरीके का रहेगा, नॉर्मली वो बिहेव करेगा। और उसके लाइफ स्पेस के अंदर वो सांप आ गया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसका लाइफ स्पेस बदल गया। तो लाइफ स्पेस भी जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है और इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर करता है। अगर किसी को सांप से डर ही नहीं लगता, वो सांप पकड़ने वाला बंदा है, तो वो उसका बिहेवियर जो है वो ऐसा फियरफुल नहीं होगा। तो वो पर्सन की इंट्रिंसिक चीज पे भी डिपेंड किया। सो बिहेवियर व्यवहार फंक्शन है पर्सन का और इन्वायरमेंट का। चार व्यक्ति आएगा इसमें। क्रिएटिविटी कैसे डिफाइंड होती है? सृजनात्मकता, जो कि हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, फैलाव, नई चीजें, नई बातें, याद रखिएगा फ्लुएंसी, नई नई बातें, फ्लेक्सिबिलिटी यानी नई, फ्लेक्सिबल होना, सोच का लचीलापन होना, ओरिजिनेलिटी, नई नई चीजों का बनाना, नोवल्टी, नयापन, ये कुछ शब्द हैं जो कि कभी भी क्रिएटिविटी के क्वेश्चन में आए तो याद रखना। फ्लुएंट,
आप कितने सारे रिस्पॉन्स दे रहे हो, फ्लेक्सिबल, लचीलापन, नई नई सोच कैसे लेकर आ रहे हो, क्या एक ही सोच को पकड़ के तो नहीं बैठे हुए? वो नहीं होता क्रिएटिविटी में। ओरिजिनलिटी, नयापन क्या है, नोवल्टी, कॉपी पेस्ट, ओरिजिनलिटी, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे, किसी की चीज को उठा के अपना कह के तो नहीं कह रहे, आपकी क्या नई सोच है उसके अंदर, नोवल्टी यानी नयापन। तो नया रिजल्ट जो आता है वो हमारा क्रिएटिविटी उससे डिफाइंड हो जाती है। देखिए, ओल्ड बिहेवियर तो बिल्कुल भी नहीं है। ड्राइंग और म्यूजिक के अंदर आपका प्रोडक्ट क्या था? क्या आपने कोई नई ड्राइंग बनाई? क्या कोई आपने नई धुन बनाई? तो ये तो क्षेत्र बता रखा है इसमें। इस क्षेत्र के अंदर जो आपने नयापन किया वो क्रिएटिविटी है। इसलिए इसका आंसर रहेगा 4। कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान की किस विचारधारा से कार्ल रॉजर्स जुड़े हुए थे? भाई, रॉजर्स जो थे वो ह्यूमैनिज्म से जुड़े हुए थे, मानवतावादी थे। वो हमारी बात करते थे, एक हमारा रियल सेल्फ होता है जो कि हम खुद होते हैं, और एक होता है हमारा आइडियल सेल्फ जो कि आदर्श होता है सेल्फ का हमारा, जो हम पाना चाहते हैं, और उनके बीच में अगर कॉन्ग्रुएंस होती है यानी कि समरूपता, समानता होती है, तो आप जो है वो बैलेंस बना रहता है। अगर हम रियल में कुछ हैं और हम प्रोजेक्ट कुछ और करना चाहते हैं, आइडियल सेल्फ एक खुद डिसऑनेस्ट आदमी है, बेईमान है, और वो आइडियल बनाता है कि हाँ मैं ईमानदार हूं, ये है, तो उन दोनों चीजों में तो कुछ सच नहीं है ना, तो उसके अंदर इनकॉन्ग्रुएंसी होगी यानी कि द्वंद चलेगा, जिसके कारण जो है उसकी सेल्फ को चोट पहुंचेगी और वो हमेशा परेशान सा रहेगा। तो ये ह्यूमैनिज्म के अंदर ये सारी बातें की जाती हैं। फंक्शनलिज्म के अंदर तो भाई जेम्स आते हैं, विलियम जेम्स आते हैं। बिहेवियरिज्म के अंदर वॉटसन, वॉटसन, स्किनर, ये सब आते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर विलहम वुंड आते हैं और टिकनर आता है। तो ऐसे सोच सोच के जिसके अंदर क्या आते हैं ना, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ऑप्शंस को सोचिए और फिर जवाब लगाइए। कौन सी सिटी में निमहेंस है? अब ये निमहेंस जो है ना वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। भाई ये 1954 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये बंगलोर में है। इसको परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ये अंतर्गत आता है, वो इसकी देखरेख वो सब करता है। तो ये जो है ये बंगलोर में है। सीधा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, मगर हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नजरिए की सराहना करने में सक्षम नहीं है, तो इसे कहेंगे ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म जो है वो हमारी प्री ऑपरेशनल चाइल्ड, जो प्री ऑपरेशन स्टेज है पियाजे की, स्टेज 2 का बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है। बच्चा अपने ही हिसाब से देखता है, वो सोचता है कि मैं ही केंद्र हूँ, सारी बारिश हो रही है तो वो मेरे लिए हो रही है। मतलब वो अपने आप को हर चीज का केंद्र महसूस करता है और वो दूसरे का पक्ष ले ही नहीं पाता। तो ये है ईगो सेंट्रिज्म। सेंट्रलाइजेशन, चीजों को एक ही तरफ, एक ही एस्पेक्ट को देखना, तो वो तो ईगो सेंट्रिज्म के अंदर, मतलब वो कंजर्वेशन वाले टॉपिक से ज्यादा रिलेटेड है कि आप एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो, तो वो ये नहीं है। ईगो सेंट्रिक थॉट यानी कि दूसरे के नजरिए को ना ले पाना। इंट्यूटिव थॉट, ये भी इसका आंसर नहीं है। अंतःप्रज्ञात्मक विचार, नन ऑफ दिस भी इसका आंसर नहीं है। ईगो सेंट्रिज्म है, अहम केंद्रित वृत्ति। येलो स्पॉट हमारे कौन से ऑर्गन होता है ह्यूमन बींग्स का जिसमें पाया जाता है? वो आंख में पाया जाता है, ठीक है। येलो स्पॉट हमारा ब्लाइंड स्पॉट है ना, वो भी आई में ही पाया जाता है। अब येलो स्पॉट को देखें तो उसको हम मैक्यूला भी कहते हैं। येलो स्पॉट जो होता है वो रेटिना के अंदर होता है, और यहाँ पे जो रेटिना होता है ना, जिसमें हमारी इमेज जो होती है, हम देखते हैं उसकी इमेज जाके रेटिना पे बनती है, तो उस रेटिना के अंदर जो हमारा एक स्पॉट होता है येलो स्पॉट, जिसके अंदर सबसे ब्राइट इमेज वगैरह बनती है, तो इसके अंदर इसका आंसर आई है, आंख है। नेचर और क्वालिटी ऑफ साउंड्स, ध्वनि की प्रकृति या गुणवत्ता क्या कहलाती है? वो कहलाती है टिम्बर, ठीक है। ध्वनि गुण, देखो हिंदी में तो बिल्कुल सही पता चल गया, ध्वनि की प्रकृति या गुण, तो वो क्या होगा? ध्वनि गुण होगा, ठीक है। अब आप इसके साथ ना कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देखिए। अब ये हमारे 4 ग्राफ हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए। ये जो है ना, ये हमारा है लाउड साउंड और लो पिच। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा, जितनी बड़ी ये वेव होगी साउंड की, ये जितना ऊपर जाएगी और जितना नीचे जाएगी, बड़ा बड़ा जाएगी, तो वो कहलाता है हमारा लाउड, यानी स्पीकर से जो आवाज आ रही है तो ऐसे वो बड़ी 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 आ रही है, ठीक है। मगर ये दूर दूर है तो एक और एक साइकिल है, ये एक पूरी साइकिल है, ऊपर से जाना और नीचे आना, ऊपर से जाना और नीचे आना, मगर ये दूर दूर है ना, तो इसलिए लो पिच है। अब इस वाले के अंदर हमारी साउंड जो है वो लाउड तो है, ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, और ये जितनी भी लाइनें हैं ये बिल्कुल पास पास हैं,
तो इसलिए लाउड साउंड और हाई पिच यानी आवाज बहुत तेज आवाज में आएगी। अब हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो इस वाले से देखिए, इस ग्राफ में ऊपर है और इसमें नीचे है, तो ये जो होगी ये होगी हमारी सॉफ्ट साउंड यानी धीरे धीरे आवाज आ रही है, और पिच भी इसकी कम है क्योंकि एक वेव में और दूसरी वेव में ज्यादा टाइम है। अब ये वाला जो है हमारी सॉफ्ट साउंड है यानी धीमी आवाज तो है मगर हाई पिच पे आ रही है क्योंकि ये वेव्स हैं ये बिल्कुल पास पास हैं। तो लाउडनेस जो होती है ना वो हमारी पता चलती है एम्पलीट्यूड से यानी कि कितना ऊपर जा रहा है स्पीकर से, आवाज कितनी ऊंची जा रही है, और पिच है यानी कि कितनी पास पास है। जैसे इस वाले में ये दोनों है ना ये हाई पिच के एग्जाम्पल हैं, कितनी पास पास हैं ये हमारे हाई पिच के एग्जाम्पल हैं, और जो हमारे ऊपर वाले हैं ये हमारे लो पिच के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये सारी जो होती है ये साउंड की क्वालिटी होती है, थोड़ा ग्राफ से देखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, मगर जो हमारी क्वालिटी कैसी है, आवाज फटके आ रही है या मधुर आ रही है, तो वो जो साउंड का अपनी क्वालिटी होती है ना वो ध्वनि गुण होता है, वो टिम्बर कहलाता है। वेवलेंथ भी इसका आंसर नहीं है। सोशल मोटिव्स क्या होते हैं? सोशल मोटिव्स जो होते हैं ना भाई वो सेकेंडरी होते हैं, वो द्वितक होते हैं, वो समाज द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि और ये जन्मजात नहीं होते, जन्मजात वाले प्राइमरी होते हैं, इनबॉर्न जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान ये सारे वो जो होंगे वो प्राइमरी होंगे, तो सोशल मोटिव्स प्राइमरी नहीं होते, वो कल्चरल मेड होते हैं, जो समाज जो है वो हमें दे रहा है। जैसे कि आ गया हमारा आप एफिलिएशन चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो वो सारे हमारे सोशल मोटिव्स हैं, इन्हें सिखाया जाता है कल्चर में। ठीक है, तो ये कल्चर मेड होते हैं हमारे सामाजिक मोटिव्स। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स ये इसके अंदर नहीं आएगा, इमोशन बेस्ड यानी कि संवेगों पे आधारित तो वो भी नहीं, वो तो हमारे ये दोनों जो है साइकोलॉजिकल और इमोशनल ये मोटिव्स जो है ये प्राइमरी में ही थोड़े बहुत आ सकते हैं। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट जो होते हैं, जो कि आप साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से कोई कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट को लेके आप कंस्ट्रक्ट बनाते हो, तो वो इसका सामाजिक मोटिव नहीं है। संवेगों पे आधारित इमोशंस पे आधारित जो होते हैं वो भी इसका नहीं है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो, आप सामाजिक मोटिव जो कि समाज आपको सिखा रहा है एफिलिएट करना, आप एफिलिएशन यानी कि आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हो, आप अचीव करना चाहते हो, आप पावर रखना चाहते हो, वो सारे हमारे सोशल मोटिव्स होते हैं जो कि सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जो होते हैं ना वो वही है रोटी कपड़ा और आपका आ गया जैसे कि सेक्स स्लीप थर्स्ट, ये जो हो गए ये प्राइमरी मोटिव्स है। जैसे जानवरों वाले मोटिव आप सोच के रहना कि उन्हें खाने के लिए चाहिए, सोने के चाहिए, थर्स्ट चाहिए, आप एक्सक्रीशन कर पाओ यानी कि जो मलमूत्र है वो निकाल पाओ, तो ये सारे प्राइमरी मोटिव है, और सोशल मोटिव समाज देता है सिखाता है। अप्लाइड रीइंफोर्समेंट को शेपिंग करना बिहेवियर की, भाई ये जो किया था ये स्किनर ने किया था जिसने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी, शेप कैसे उसको आप याद रखिएगा, कैसे उसने रीइंफोर्समेंट को यूज करते हुए पुनर्बलन को, वो कबूतर जो था वो कैसे उसको रास्ता सिखा दिया और कैसे उसे चोट मारना सिखा दिया, तो वो सारा उसने अप्लाई रीइंफोर्समेंट को, खाना जो था उसको एज अ रीइंफोर्सर यूज किया, प्राइमरी रीइंफोर्सर होता है जो, और कबूतर का बिहेवियर शेप कर दिया। फिर उसी की थियोरी से यूज करते हुए हमने रीइंफोर्समेंट को हम क्लास में कैसे यूज करते हैं और फिर वो सारी बातें निकल कर आई, तो ये स्किनर का कंसेप्ट था। SOR स्टिमुलस ऑपरेंट और रिस्पॉन्स। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये, 1924 में हुआ था, बस ऐसे याद रखिएगा। लर्निंग जो कि होती है डायरेक्ट और डेलिब्रेट टीचिंग ना करके, यानी कि आप डायरेक्टली सिखा नहीं रहे कि ऐसे कर और जानबूझकर नहीं पहुंचा रहे, तो वो क्या कहलाती है? वही वो कहलाती है संस्कृतिकरण, इनकल्चुरेशन। अब और इनकल्चुरेशन यानी कि आप अपनी संस्कृति का भाग बने हुए आप जो है अपने वन अपने कल्चर को सीख जाते हैं उसका भाग बने रहने के लिए, ये एक बहुत ही एसेंशियल कंडीशन है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आप उस कल्चर का भाग हो, ये होता है आप फेमिलराइज हो जाते हो, आप सबसे पहले इसमें फेमिलराइज होते हो अपने कल्चर के द्वारा अपनी संस्कृति के द्वारा। जैसे कि अगर कोई हिंदू है तो वो अपने कल्चर में उसको बिल्कुल ऐसे नहीं सिखाया जाएगा ऐसे कर मगर वो धीरे धीरे कल्चर में डायरेक्ट है, डायरेक्ट और डेलिब्रेट नहीं, आप उसे डायरेक्टली नहीं बोल रहे तो ऐसे ऐसे कर, मगर वो अपने आप धीरे धीरे आप देखेंगे उसकी लर्निंग हो जाएगी, वो सीख जाएगा कि ऐसे पूजा करनी है या ऐसे करना है, तो वो इनकल्चुरेशन है संस्कृतिकरण है।
अगर अपनी संस्कृति के साथ साथ आप किसी और की संस्कृति को भी सीखना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि गुरुद्वारे में कैसे पूजा होती है, तो वो जो है वो पर संस्कृति ग्रहण है। इसके अंदर एमलगमेशन होता है दो कल्चर का, दूसरी संस्कृति को भी आप सीख रहे हैं। ये कोई एसेंशियल नहीं है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आपको अपने कल्चर का तो भाग बनना है, आपको अपने कल्चर में ही रहना है। अब आप दूसरे के कल्चर को इससे ना भी सीखे तो भी आपका काम चल जाएगा। अकल्चुरेशन इज नॉट द फर्स्ट बट सेकेंड और थर्ड फेमिलराइजेशन ऑफ वेरियस कल्चर। आपका दूसरा कल्चर जो होगा वो सेकेंड या थर्ड होगा ना, जिसे आप फेमिलियर हो रहे हैं। आपका फर्स्ट कल्चर तो वो है जिसमें आप पैदा हुए, जिस संस्कृति को आप सीख रहे हो। इंडियन कल्चर, अगर आप इंडियन हो तो ऐसे इंडियन कल्चर आपने क्या उसको सीखा है, वेस्ट का कल्चर कैसे अलग है, उसको अगर आप वहां जाके वेस्ट में रहने लग जाते हैं और सीख रहते हैं तो वो एक कल्चर रिलेशन है। और इन कल्चर रिलेशन एक ही जगह पे रहते हुए आपको ऐसे सिखाया भी नहीं जा रहा है। जैसे समाजीकरण में तो हम सिखाएंगे ना कि ऐसे बिहेव कर बच्चे को, और उसको स्कूल सोशलाइजिंग की एजेंसी में भी भेजेंगे, जैसे कि स्कूल होता है, और उसको रहना और स्कूल में कैसे हम करिकुलम सिखाना चाहेंगे, कैसे हम आगे नागरिक जाते हैं उस तरीके की उसे शिक्षा देंगे, तो वो तो हम डेलिबरेटली दे रहे हैं। इन कल्चर रिलेशन के अंदर वो अपने आप ही सीख जाता है, तो इसलिए सोशलाइजेशन कारण क्यों नहीं होगा वो भी बता दिया मैंने आपको। और मॉडर्नाइजेशन होता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण के अंदर कोई हमारी डायरेक्ट और डेलिब्रेट टीचिंग वाला इसे रिलेटेड नहीं है। नई नई चीजें आ रही हैं और नई नई चीजों को कई बार आपको सिखाना भी पड़ता है। डायरेक्टली आपको कोर्स चला रखे हैं आपने कि कैसे आप यूट्यूब पे पढ़ाएंगे कैसे, तो वो एक लर्निंग आप अधिगम सीख रहे हो ना करने के लिए। आपने तो डायरेक्ट डेलिब्रेट सीखा और फिर पढ़ाया, तो और जबकि इन कल्चर रिलेशन के अंदर आप कोई डायरेक्ट डेलिब्रेट नहीं पढ़ा रहे हो, जानबूझ के नहीं पढ़ा रहे हो, और फिर भी अधिगम हो जाता है, आप अपने संस्कृति के बारे में सीख जाते हो, तो वो है इन कल्चर। किस प्रकार के अधिगम में एक नया व्यवहार सीखा जाता है मगर लेकिन प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक प्रबलन नहीं प्रदान किया जाए, वो है भाई लेटेंट लर्निंग। ये टॉलमेन ने दी थी। इसके अंदर चूहे दिए थे और चूहों को रास्ते पे पहले तो रीइन्फोर्समेंट दी और उनको रास्ता सिखा दिया कि वो एक पर्टिकुलर रास्ते पे चलने लगे, मगर कई बार ऐसा किया उनको रीइन्फोर्समेंट भी नहीं दी तो भी वो एंड तक पहुंचे गए। तो एक तरीके से उनको अधिगम तो उन्होंने कर लिया था, मगर उनको रीइन्फोर्समेंट नहीं डिस्प्ले करी तो उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया, मगर वो कई बार पहुंच भी जाते थे। लर्निंग जो थी वो उनकी छिपी हुई थी, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा लेटेंट लर्निंग। इनसाइड लर्निंग जो है वो गेस्टाल्टवादियों ने दी थी। वर्बल शाब्दिक लर्निंग इसके अंदर नहीं है। सोशल लर्निंग एल्बर्ट बैंडुरा ने बात की थी, उसको तो आप ऑब्जर्व करके डेमोन्स्ट्रेट सीधा करते हो, उसके लिए आप रीइन्फोर्समेंट नहीं सोचते। अगर कोई बच्चा जो है वो देख रहा है कि उसकी माँ रोटी बना रही है तो वो खुद उसे करके डिस्प्ले करने की कोशिश करता है, तो वो छुपी तो नहीं है, वो रीइन्फोर्समेंट का तो वेज नहीं करता कि माँ कहेगी अरे बेटा अब बना, ऐसा नहीं है, वो तो उसे डिस्प्ले खुद ही कर रहा है। लेटेंट है यानी छुपी हुई है, जो कि सीख तो ली मगर मौका आने पे आपने उसको दिखाया, रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड हुई तो आपने दिखाया, तो वो कहलाती है हमारी लेटेंट लर्निंग। विकारों की एक विश्व मांगी समूह जो कि प्रकट होता है सीखने पढ़ने और लिखने के अधिग्रहण में कठिनाई हो रही है, इनमें दिक्कत आ रही है लर्निंग में, आप जो है रीड नहीं कर पा रहे, डिसलेक्सिया, ठीक है, आप जो है लिखने में दिक्कत आ रही है, डिसग्राफिया, और ये हमें जैसे पता है कि ये किससे रिलेटेड है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, ये अधिगम की विकलांगता है जो कि आप सीखने में आपको कठिनाई आ रही है। लर्निंग सेट तो होता है कि किस तरीके से आपको करनी है, आप दिमाग में एक सेट बना लेते हैं, तो वो तो नहीं है इसका आंसर। लर्निंग कंडीशन, आप कैसा वातावरण प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी नहीं है। लर्निंग का स्टाइल क्या है, आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल से टीचर जो है वो खुद डोमिनेट होकर पढ़ा रहा है, या पार्टिसिपेटिव स्टाइल से पढ़ा रहा है, बच्चों को भी सहभागी बना के बना रहा है, तो वो स्टाइल से भी रिलेटेड नहीं है, वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है। जिसको दिक्कत आ रही है पढ़ने में, जिसको दिक्कत आ रही है लिखने में, तो वो एक उसके अधिगम में दिक्कत कर रहा है, तो वो है लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग में होने वाली अधिगम में विकलांगता, अधिगम को रोक रहा है, विकलांग कर रहा है उसको। क्या होता है जब लक्ष्य की दिशा में प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और अंतर्निहित तनाव अनसुलझे रह जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई फ्रस्ट्रेशन, कुंठा। अब वो कुंठा कैसे होती है, आप सबसे पहले देखिए कि जैसे कि आपने रीट का पेपर दिया, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो गया, मगर आपको नौकरी जो है वो 3-4 साल बाद जाके आपकी भर्ती आ रही है, तो आपको अंदर ही अंदर कुंठा फ्रस्ट्रेशन होने लगे, क्योंकि जो रीइन्फोर्समेंट था, जो कि आपको नौकरी मिलनी थी, जो कि पॉजिटिव नेचर की थी, जिससे आपने बिहेवियर अपना उस तरीके से किया, और वो डिले हो रहा है क्योंकि आपने रीइन्फोर्समेंट रोक लिया, आपने भर्ती का रिजल्ट तो दे दिया मगर आपने ज्वाइनिंग रोक ली, तो उसके कारण क्या उत्पन्न होगी, उसके कारण उत्पन्न होगी कुंठा, ठीक है। थोड़ा
थ्वाटिंग, थ्वाटिंग का मतलब है कि आपने भर्ती तो परीक्षा आपने डिले तो करी ही करी, उसके साथ आपने जो क्या किया, आपने एक ऑब्स्टेकल यानी कि एक और चीज उसके अंदर ऐड कर दी, जो कि आप रीइंफोर्समेंट या फिर जो चीज आप करना चाह रहे थे उस दिशा को और रोक दिया। यानी कि भर्ती जैसे है कि जो उस पर कोर्ट केस होने लग गया, यानी कि वो डिले तो थी और अब पता नहीं कब होगा, तो उसके कारण क्या पैदा होगी, उसके कारण कुंठा पैदा होगी। जब आप एक दिशा में करना चाहते हैं, लक्ष्य में काम करना चाहते हैं और तनाव अनसुलझे रहते हैं, तो उससे द्वंद भी पैदा होता है। द्वंद भी कई तरीके का होता है। अप्रोच, अप्रोच यानी कि एक पर्सन है उसको एक गोल यानी कि RAS में लग रहा है वो, या फिर वो IAS लग रहा है, दोनों गोल उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं पर्सन को, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट में है, द्वंद में है। अप्रोच अवॉइडेंस यानी कि एक चीज तो अट्रैक्ट कर रही है, अगर मैं नए कपड़े पहन के मैदान में गई हूँ और मेरा दौड़ने का तो मन कर रहा है, एक चीज तो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है अरे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो ये कहलाता है अप्रोच और अवॉइडेंस। और अवॉइडेंस अवॉइडेंस यानी कि इसमें दोनों चीजों को ही अवॉइड करना, इधर गिरू तो कुआ उधर गिरू तो खाई। इसके अंदर ये आएगा कि जैसे कि घर पे कह दिया कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, और तैयारी करते हुए आप पढ़ भी नहीं रहे और आप जो है वो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा, तो दोनों ही चीजें जो है वो आप अवॉइड करना चाहते हो, पढ़ना भी नहीं चाहते और सिलेक्शन चाहते हो, तो वो जो है वो अवॉइड अवॉइड के अंदर आ जाएगा। इसका आंसर है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि माल एडजस्टमेंट समायोजन कुसमायोजन इसका आंसर नहीं है। इंटेंसिटी तीव्रता से भी इसका रिलेशनशिप नहीं है, डर भी नहीं है, आपको किसी चीज के लिए कुछ रोक रहा है, तो रोकने के कारण क्या होते हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, ये सब इसका आंसर। कौन सी मेमोरी रिलेटेड है डेक्लरेटिव और प्रोसीजरल मेमोरी से, यानी कि घोषणात्मक और प्रक्रियात्मक स्मृति। भाई ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के पार्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन आई वो सबसे पहले आती है हमारी सेंसरी मेमोरी के अंदर, जिसकी कैपेसिटी जो होती है वो तो बहुत लार्ज होती है, मगर इसकी ड्यूरेशन 1 सेकेंड से भी कम होती है। 1 सेकेंड से कम तक जो इंफॉर्मेशन है वो रहती है, जैसे कि आप 1 सेकेंड से अंदर जो मैं बोल रही हूँ या फिर आप मुझे देख रहे हैं, तो ये सारी आपके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, मगर आपका जो ड्यूरेशन सेंसरी मेमोरी में वो कितनी देर तक रहेगी, 1 सेकेंड से भी कम। फिर आप जो है वो सेलेक्टिव अटेंशन दोगे, यानी आप ध्यान दोगे कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है फिर वो चली जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। और शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो स्मॉल होती है, वो होती है हमारी 7 ± 2, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन रहती है वो 30 सेकंड से भी कम रहती है। अब आप क्या करोगे, उस चीज को जो इंफॉर्मेशन रही है आपने रिहर्सल करते हुए, उसको पुरानी इंफॉर्मेशन से अगर आप जोड़ लेते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है ना, उसी के अंदर हमारी दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है हमारी डेक्लरेटिव, डेक्लरेटिव होती है यानी कि स्टेटमेंट्स पे आधारित, जो कि आपको इंफॉर्मेशन होती है। और प्रोसीजरल यानी क्रियात्मक, यानी कि कैसे किसी चीज को चलाया जाए, कैसे प्रोसीजर है करने का, कैसे आप स्विमिंग करते हो, तो ये दोनों जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का भाग है। डिक्लेरेटिव में तो स्टोर हाउस होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ज्यादा नॉलेज का आप इसमें ऐड करते हैं। और डिक्लेरेटिव भी जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है एपिसोडिक यानी कि जीवन के आपके जितने एपिसोड है, यानी कि आप आज दिन में क्या क्या काम करें आपने, तो वो सारी एपिसोडिक मेमोरी भी डिक्लेरेटिव में आती है। और सिमेंटिंग यानी मीनिंग से आधारित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी डिक्लेरेटिव के अंदर आती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी जो होती है वो परमानेंट होती है, इसमें जो कुछ भी जाता है वो लंबे समय तक रह सकता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, लाइफ टाइम रह सकती है, मगर आपको बार बार रिहर्स करते रहना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने रीट का कोई सिलेबस पढ़ रहे हो और आप जो है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, तो आपको उसको बार बार रिहर्स करता रहना पड़ेगा, क्योंकि वो डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स है, वो सिमेंटिक है यानी मीनिंग से आधारित है, तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म का भाग जब भी पढ़ेगी, शॉर्ट टर्म से जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो आपके शॉर्ट, आपने उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया, अटेंशन दी, वो आपके शॉर्ट टर्म में अभी तक आपको याद आ रहा है, मगर आप लंबे समय तक जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा पढ़िए, रिहर्स कीजिए, प्रैक्टिस सेट मारिए, अलग अलग किताबें पढ़िए, तो फिर वो आया वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का भाग पड़ जाएंगे, जिनको फिर आप एग्जाम में रिट्रीव कर पाएंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी ही इसका आंसर है। वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही होती है, तो ये इसका आंसर नहीं है, सेंसरी मेमोरी भी नहीं है और शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी अभी जैसे मैंने आप बताया, इसके अंदर आप हमेशा याद ये रखिएगा, लकी नंबर 7, कई बार गेम चलता है ना, तो 7 ± 2, 7 + 2 = 9, 7 - 2 = 5, तो 5 से 9 तक मैक्सिमम आइटम्स जो हैं वो हम
शॉर्ट टर्म मेमोरी में यूज कर सकते हैं। अब जैसे कोई आपको दे दे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 49, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि ये नंबर याद करो, भाई अब ये नंबर याद करना तो बड़ा मुश्किल है, मगर आप क्या करेंगे, इसके चंक्स बना देंगे, यानी इनको ग्रुप कर देंगे। आपने ग्रुप कर दिया कि ये एक ग्रुप हो गया 1 का, 1 हो गया 4 का, 1 हो गया 9 का, 3 का स्क्वायर, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आपने 7 ग्रुप्स बना लिए। तो इन 7 ग्रुप्स का जो बनाना है, ये कहलाता है हमारा चंक करना, चीजों को ऐसे जोड़ कर लिख देना। इसलिए हमारे एक टाइम पे सबसे ज्यादा जो चंक्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम बन सकते हैं हमारे 9, और मिनिमम बन सकते हैं 5, लकी नंबर 7 से, इसलिए याद रखिएगा। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं चंक्स में याद। तो इसका आंसर है चंकिंग। अप्लाइड साइकोलॉजी का, यानी कि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाइड करना, तो उसकी डिपार्टमेंट क्या कब बना था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, वो बना था 1938 में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, दिया इसलिए है ताकि अंदाजा रहेगा तो थोड़ा आपको याद रहेगा, और क्या पता पेपर में आ भी सकता है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्या अवधि है? अब पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, ये हमें पता है कि ये हमारी स्टेज 2 होती है। स्टेज 2 हमारी 2 से 7 वर्ष की होती है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये याद रख लिएगा। इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, दूसरे का पक्ष नहीं ले पाता, बच्चा कंजर्वेशन के टास्क नहीं कर पाता, बच्चा की एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है, यानी कि जो अजैविक चीजें होती हैं उनमें भी वो जीव चीजों की तरह उन्हें देखता है। तो ये सब स्टेज 2 के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी 2 से 7 वर्ष वाले। करेक्ट सीक्वेंस क्या है कोई शोध के स्टेप्स के अंत का? अब शोध के चरण क्या क्या होते हैं? अब ये शोध के चरण वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये मेथड्स से जुड़ा हुआ है, यानी साइकोलॉजी में कौन से मेथड्स होते हैं, तो इसलिए ये भी आपको देख के जाने की जरूरत है, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टेप, साइंटिफिक इंक्वायरी के भी यही मेथड के स्टेप्स होते हैं। पहला देखिए, आप एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हो, आप उससे, उसके बाद आप एक उससे रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू करते हो, उसके बाद उसके, आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड जो जो बातें हैं उनके बारे में आप पढ़ते हो गहन तरीके से, फिर आप डाटा कलेक्शन करते हो, और उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करते हो। ये तो सही है, सबसे पहले तो टॉपिक ही सेलेक्ट होगा, आप अपना टॉपिक की, मैं इस चीज पे शोध करना चाहती हूँ, सबसे पहले लिटरेचर थोड़ी रिव्यू करोगे, सबसे पहले तो टॉपिक को सिलेक्शन करोगे, तो बी नहीं हो सकता, इसमें आ गए। टॉपिक को सेलेक्ट करते ही आप डाटा कलेक्ट करने लग जाओगे बिना समझ बनाए कि इस चीज पे क्या क्या शोध हो सकता है, तो ये वाला इसलिए नहीं हो सकता। इसमें आपने सेलेक्ट किया टॉपिक को, आपने रिव्यू किया लिटरेचर को, और आपने फाइंडिंग्स ही रिवील कर दी। आप फाइंडिंग कैसे आ जाएगी, पहले डाटा कलेक्ट करोगे तभी तो आप उसकी इंटरप्रिटेशन करोगे, उसकी फाइंडिंग्स को आप जज करोगे कि आपने क्या निकाला, तो इसलिए इसका आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, निम्न में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। अब टीचिंग और लर्निंग आपस में रिलेटेड हैं, हाँ ये तो संबंधित है, ये तो ठीक लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है टीचिंग और ट्रेनिंग का। नहीं भाई, ट्रेनिंग का तो डिफरेंस है, आप जानवरों को जो देते हो वो ट्रेंड करते हो, आप उनको शिक्षित थोड़ी कर रहे हो, आप ट्रेन कर रहे हो, यानी कि उनको एक सेट ऑफ स्किल्स जो कि वो कर पाए, तो उसके लिए उनको बार बार प्रैक्टिस रिहर्स करा करा के कराते हो, तो ट्रेनिंग अलग चीज है, टीचिंग अलग चीज है, और ये तो कह रहा कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो ये तो बात गलत है। तो बी ऑप्शन जिसमें भी होना वो तो काट दो, इसमें भी बी ऑप्शन है तो ये भी कट गया, तो अब हमारे पास रह गई ये दोनों, ठीक है। सारी टीचिंग का कंसर्न ये है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो स्टूडेंट्स के अंदर, हाँ ये तो सही है कि जो आप सिखाना चाहते हो वो सीख पाए, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहते हो आप। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, क्या सारी टीचिंग फॉर्मल ही होती है? नहीं, इनफॉर्मली भी आप बच्चे के साथ करते हो। अब इनफॉर्मली, अनफॉर्मल सिचुएशंस के अंदर अगर बच्चा कुछ बता रहा है, कोई ज्ञान अपना ला रहा है, अपने एक्सपीरियंस ला रहा है, तो आप उसको यूज कर रहे हो, तो सिर्फ फॉर्मल ही नहीं होती। तो डी जहाँ पे होगा वो भी कट जाएगा, ये कट गया, तो अब हमारा ये आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अ टीचर एक सीनियर पर्सन है, सीनियर पर्सन यानी कि एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, इस तरीके की स्टेटमेंट। वैसे सीनियर पर्सन किस सेंस में ये कह रहे हैं कि सीनियर मतलब वो बाय ए सीनियर हो सकता है, मगर एक्सपीरियंस पे आधारित है टीचिंग। तो टीचिंग एक सोशल एक्ट है जहाँ की, जबकि एक लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है, बिल्कुल सही। टीचिंग समाज, टीचिंग एक सामाजिक एक्ट ऐसे हुआ कि टीचर और स्टूडेंट एक सोशल कंडीशन के अंदर, एक सोशल सिचुएशन यानी कि स्कूल के अंदर आप है, और लर्निंग जो है वो इंडिविजुअल के अंदर हो रही है, वो क्या सीख पा रहा है, उसने क्या ग्रहण किया, क्या वो अपने एक्सपीरियंस से उसने नॉलेज कंस्ट्रक्ट की, तो वो उसका अपना खुद का अधिगम हुआ ना, आपने तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, तो एफ है। तो
तो इसका आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट करते रहिए और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। और ये इसकी आंसर की है, इसे देख लीजिएगा। आंसर की में परिवर्तन है कि 6 का आंसर जो है ना भाई 3 है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।